हरियाणा में हाड़ कपा देने वाली ठंड से लोग बेहद ही परेशान हो चुके हैं। सूरज के ना निकलने से लोग धूप के लिए तरस रहे हैं। ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से हरियाणा के 6 जिलों में कोहरा और कोल्ड डे का रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। इसमें अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा शामिल है। यहाँ कोल्ड डे और शीतलहर के आसार है। बाकी अन्य जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बिल्कुल, देखिए ये जो मॉइस्चर होता है ये मेन कारण होता है फॉग जनरेशन का। तो ये जो मॉइस्चर आया है इस रेन में, इससे ह्यूमिडिटी बनी रहेगी जो अगले 2 से 3 दिन इसका इफेक्ट रहेगा। इससे कोहरा, जैसा आज हम कोहरा देख रहे हैं पूरे उत्तर भारत के ज़्यादातर हिस्सों में, अगर हम जम्मू डिवीज़न की बात करें, J&K में, लोअर लेवल ऑफ हिमाचल, उत्तराखंड की बात करें, पंजाब, हरियाणा, UP, नॉर्थ राज्य, तमाम में कोहरा छाया हुआ है। तो इस कोहरे में एक कंट्रीब्यूट करता है जो ह्यूमिडिटी लेवल है, जिससे बरसात में ये बढ़ जाती है। तो हमको उम्मीद है जैसा कोहरा आज देखने को मिल रहा है, कल यानी 25 तारीख में भी इसी तरह का कोहरा रहेगा। सुबह में घना कोहरा भी कई जगह में देखने को मिलेगा। हालांकि इसमें जैसी मॉइस्चर कम होगा, थोड़ा हवाओं का परिवर्तन होगा, 26 तारीख से हल्की सी कमी आने की उम्मीद है, पर बहुत ज़्यादा कमी का चांस 26 से भी नहीं है। वहीं राज्य के अलग अलग जिलों से तस्वीरें सामने आई। अम्बाला की बात करें तो अम्बाला में दिन का तापमान 13 डिग्री और रात का तापमान 6 डिग्री से भी नीचे चला गया है, जिससे सबसे ज्यादा परेशानी आने जाने वाले लोगों को हो रही है। तो वहीं गुरुग्राम में भी हल्का कोहरा देखने को मिल रहा है। तापमान में गिरावट आई है, न्यूनतम तापमान 7 डिग्री तक पहुंच गया है। पिछले 15 दिनों से पड़ रही तेज ठंड और कोहरे के कारण लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। महेंद्रगढ़ जिले की बात करें तो रात का तापमान 3 डिग्री तक पहुँच चुका है। ऐसे में कोहरा वाहन चालकों के लिए और भी परेशानी खड़ी करता है। वाहनों की गति रुक गई है। हालांकि बीच बीच में दिन के समय धूप निकलने से लोगों को हल्की राहत जरूर मिलती है, मगर रात की ठंड ने लोगों की मुश्किलें जरूर पैदा कर दी है। उधर यमुनानगर में भी लगातार ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। 4 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान पहुंच गया है। सुबह 8 बजे का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहा। धुंध और कोहरे के कारण लोग घरों में दुबके हुए हैं। उधर किसानों को भी फसलों की चिंता सता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।